अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू साइक स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड PSY504 का लेसन नंबर 7, दैट इज अटेंशन। अटेंशन क्या होता है, मतलब तवज्जो देना किसी भी बात को। हम सब जानते हैं कि व्हाट इज अटेंशन, लेकिन यहाँ पे अब वो उन्होंने कॉग्निटिव साइकोलॉजी में अटेंशन को कैसे रिलेट किया है, ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि अटेंशन इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी एरिया। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में जो अटेंशन है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। पिछले लेक्चर्स में हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में मतलब के पढ़ के आए हैं कि कुछ अल्फाबेट सुनाए जाते थे, उनको कुछ याद रहते थे, कुछ भूल जाते थे। अब वो किस तरह होता था और उन तमाम चीजों से अटेंशन कैसे रिलेट करता है। उन्होंने कहा कि अटेंशन ये कि आप अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाती है तो जिस चीज पर आप फोकस करते हैं, जिसको आप तवज्जा देते हो, बस वही लिमिटेड आपको जो बात है वो आपको याद रहती है, उसे कहते हैं अटेंशन। अगर उन्होंने कहा कि अटेंशन भी बिल्कुल एक बॉटल नेक की तरह है, जिस तरह एक बॉटल में पानी फुल होता है लेकिन पानी उसी मकदार में निकलता है जितना उसका होल होता है। इसी तरह जब आपको एक काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन दी जाती है लेकिन आपके माइंड में वही इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है जिसकी तरफ आप अटेंशन देते हैं, जिसको जिसकी तरफ आप तवज्जो देते हैं। आगे बात हो रही है सिंगल माइंडेडनेस की। उन्होंने कहा कि आप बहुत कम मतलब किसी चीज की तरफ हम तवज्जो दे सकते हैं, हम एक टाइम में ज्यादा से ज्यादा एक काम कर सकते हैं जिसको हम अच्छे से तवज्जो दें। अगर हम दो तीन काम कर भी रहे हैं तो हमारी त्वचा जो है वो किसी एक काम की तरफ ज्यादा होगी। लेकिन बाज़ को तो ऐसा होता है कि हम वॉक कर रहे होते हैं, हम साथ बातें भी कर रहे होते हैं, हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं, हम साथ बातें भी कर रहे होते हैं, साथ स्मोकिंग भी कर रहे होते हैं, तो ये सब कैसे मुमकिन हो जाता है। तो इसका रिजल्ट यह है कि इन सब चीजों के लिए हमारे पास एक प्रैक्टिस होती है। इन सब चीजों को करने के लिए हमें ज्यादा अटेंशन की जरूरत नहीं होती, ठीक है। आगे बात हो रही है लिमिटेशन इन सेंसरी टास्क की। लिमिटेशन इन सेंसरी टास्क में फिर वही बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई एक इन्फॉर्मेशन आती है, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे सेंसरी मेमोरी में आती है, तमाम इन्फॉर्मेशन कर लो ठीक है, तमाम इन्फॉर्मेशन हमारी सेंसरी मेमोरी में आई लेकिन बहुत कम इन्फॉर्मेशन जो थी वो परमानेंट फॉर्म में हमारे माइंड में रही। क्यों? क्योंकि आपने जिस इन्फॉर्मेशन की तरफ थोड़ा सा फोकस किया, जिसकी तरफ जितनी आपने इन्फॉर्मेशन की तरफ तवज्जो दी, वही आपके माइंड में परमानेंट फॉर्म में रहेगी, जिस चीज को आप याद करेंगे, जिसको आप तवज्जो देंगे, बाकी इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में परमानेंट फॉर्म में नहीं रहेगी। मोस्ट इन्फॉर्मेशन इज लॉस्ट बिकॉज अटेंशन हैज लिमिटेड कैपेसिटी, क्योंकि हमारी अटेंशन की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। डाइकोटिक लिसनिंग टास्क, चेरी एंड मोरे ने, चेरी 1953 एंड मोरे 1959 लिखा हुआ। चेरी एंड मोरे ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जिसमें उन्होंने दो सब्जेक्ट लिए। एक सब्जेक्ट उन्होंने कहा कि आपको जो आवाज सुनाई जाएगी राइट से भी और लेफ्ट से भी, लेकिन आपने सिर्फ राइट साइड से फोकस करना है कि आपको क्या सुनाया जा रहा है, और दूसरे सब्जेक्ट का कहा कि आपने लेफ्ट साइड से फोकस करना है कि आपको क्या सुनाया जा रहा है। और फिर दोनों सब्जेक्ट्स के मतलब के उनको राइट ईयर और लेफ्ट ईयर से सुनाया गया, लेकिन जिस सब्जेक्ट को कहा गया था कि आपने राइट साइड से फोकस करना है उसे वही अल्फाबेट्स और वही मतलब के साउंड याद थी जो उसे राइट साइड से सुनाई गई, और जिसको लेफ्ट साइड से कहा गया था उसे वही याद था जो उसे लेफ्ट साइड से कहा गया था, क्योंकि जिसने राइट साइड से अटेंशन दी उसे उसके माइंड में वही चीज स्टोर हुई, और जिसने लेफ्ट साइड से अटेंशन दी उसके माइंड में भी वही जो साउंड थी वो परमानेंट फॉर्म में रही। अगेन इन शेडोइंग पैराडिग्म, इसमें भी यही बात की जा रही है कि अगर उसे मैसेज लेफ्ट ईयर से आया रैन हाउस ऑक्स कैट और राइट ईयर से आया टी जॉब बुक्स लुक, तो उसने लेफ्ट साइड से अगर फोकस किया था तो उसे जस्ट लेफ्ट साइड वाले ही अल्फाबेट्स याद रहे। आगे बात हो रही है अर्ली सिलेक्शन मॉडल की। उन्होंने एक मॉडल बना के हमें समझाया कि लेफ्ट ईयर से भी आवाज आ रही है और राइट ईयर से भी आवाज आ रही है। अगर सब्जेक्ट फोकस कर रहा है राइट ईयर से तो लेफ्ट ईयर वाली आगे से ब्लॉक हो चुकी है, मतलब कि एक किस्म की अंदर आकर दोबारा वापस जा चुकी है, जस्ट राइट ईयर वाली जो साउंड थी वो आगे पास करके गई है। तो इस तरह राइट ईयर वाली जो बात हुई थी, राइट ईयर से जो भी साउंड आई थी, सिर्फ वही परमानेंट फॉर्म में आपके माइंड में रही है क्योंकि आपने उस चीज को अटेंशन दिया, बाकी वेस्ट हो गया। अटेंशन एंड मीनिंग, उन्होंने कहा कि टू अनग्रेजुएट एक्सफोर्ड ग्रे एंड वेडरबर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसमें लेफ्ट ईयर में उन्होंने सब्जेक्ट को लेफ्ट ईयर से जो उन्होंने अल्फाबेट सुनाए वो थे जोहन 11 बुक्स, राइट ईयर से उन्होंने सुनाए 8 राइट्स 20। और जब उन्होंने मतलब अब उसे ये नहीं कहा गया कि आपने राइट साइड से फोकस करना है या लेफ्ट साइड से फोकस करना है, उसने दोनों साइडों से फोकस करना था, मतलब जितना वो कर सकता था, क्योंकि अटेंशन हैज अ लिमिटेड कैपेसिटी। तो जब उसे सुनाया गया और बाद में उसे पूछा गया तो उसे सिर्फ उससे खुद अपने माइंड से मतलब जितना उसके माइंड में इंफॉर्मेशन रह गई थी उसने ये मैसेज बना लिया कि जोहन राइट्स बुक, ठीक है।
तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इतनी इंफॉर्मेशन जो थी उसके माइंड में आई कि उसका उसके उससे ये स्ट्रेंथ बन गया जॉन राइट्स बुक्स, बाकी उसे भूल चुका था। तो ये था जनाब हमारा लेसन नंबर 7, जिसके अंदर हमने अटेंशन के बारे में पढ़ा है कि अटेंशन क्या होती है और अटेंशन किस तरह कॉग्निटिव साइकोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और किस तरह ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी में रिलेट करती है। या आप जिस चीज की तरफ तवज्जो देते हैं, जिस चीज की तरफ अटेंशन देते हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है तो जिस इंफॉर्मेशन की तरफ आप फोकस करेंगे, एक लिमिटेड में लिमिटेड जो इंफॉर्मेशन है वो आपके माइंड में परमानेंट फॉर्म में रह जाएगी, क्योंकि आपने उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो दी होगी। तो ये मैंने आप लोगों को कंसेप्ट करवाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी कुछ समझ नहीं आया आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लास्ट फिर वही रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।